क्या हो गया मम्मी? कहाँ ठंड हो रही है, बट ये मस्त लग रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे सभी? सही हो ना? खुश हो ना? हैप्पी हो ना? बस हैप्पी रहना चाहिए। क्या रखा दुखी होने में? कुछ भी नहीं रखा, मतलब कुछ भी नहीं रखा, समझ रहे हो ना। सो आज है 5 दिसंबर और अभी बज रहे हैं सुबह की 11। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, आज का दिन आपका बढ़िया जाए। तो आज का क्या प्लान है ना, पापा, मैं, भाई एंड मम्मी जा रहे हैं शादरा। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ हमारे मामा जी का घर है, तो वहीं जा रहे हैं। जल्दी से निकलते हैं, पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। एंड मम्मी पापा जा रहे हैं बाइक से, एंड मैं और भाई जा रहे हैं पता नहीं किस चीज़ से, लेकिन वैसे मेट्रो, ऑटो, बस सब अवेलेबल है, तो किसी ना किसी से तो चले ही जाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना मतलब। तो फटाफट से निकलते हैं, अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। पहले ब्रेकफास्ट लेना, फिर तो निकलेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना ऐसे कहीं भी चले जाओ। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। सो गाइस, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। एंड देखो, कल मैंने बनाए थे पकोड़े, आज मम्मी जी ने बनाए, बट आज ना देखो मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए, मतलब प्याज के और ये ब्रेड के, एंड साथ में मक्खन ब्रेड। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, आज सुबह सुबह भी ये खाएंगे, मजा आ जाएगा। बट कल मैंने बनाए थे, आज मम्मी ने बनाया है। मम्मी जी चलो फिर जल्दी से करते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो चुका है, एंड देखो मतलब कल मैंने पकोड़े बनाए थे, आज मम्मी जी ने बनाए ब्रेड पकोड़े बनाए, तो मजा आ गया खा के। एंड अभी रह रहा नहा धो के रेडी हो जाते हैं। वैसे अभी मैं हूँ 3rd फ्लोर पे, एंड देखो क्या भाई, मतलब लिटरली क्या मौसम हो रहा है यार, मतलब गाना गाने का मन कर रहा है। आज मौसम बड़ा सुहाना है, मतलब बेईमान है, गाना में लिरिक्स भूल चुका हूँ, बट मौसम यार बड़ा मस्त लग रहा है। सो गाइस, नहाना धोना हो चुका है, एंड देखो कहाँ व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पार्किंग में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। एंड वैसे ना पक्का नहीं था कि भाई भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो भाई भी जा रहा है, भाई और मैं जा रहे हैं। तो जल्दी से गाड़ी निकालते हैं, ये गाड़ी नहीं ये निकालते हैं, आज जा रहे हो स्कूटी से। एंड दी ने इतनी मुश्किल से चाबी दी ना, मतलब लिटरली वो दोनों देती नहीं है चाबी, गुस्से में दिया। तो जल्दी से स्कूटी निकालते हैं, फिर चलते हैं। सो गाइस निकलते हैं अब, एंड पापा और मम्मी पहले ही चले गए बाइक से, हो गए एक मतलब 5-10 मिनट हो गए, एंड हम भी निकल रहे हैं, बस भाई रेडी हो रहा है। सो भाई जल्दी से रेडी हो जाए, फिर निकलते हैं। एंड देखा स्कूटी से जा रहे हम दोनों, तो मेट्रो से नहीं जा रहे, क्योंकि जब स्कूटी थी तो स्कूटी से जा रहे, बट बड़ी मुश्किल से थी। तो अभी रुके पेट्रोल डलवाने के लिए, पेट्रोल डलवा लेते हैं। फिलहाल अभी भाई और मैंने लिया है छोले भटूरे का ब्रेक, मेरा तो बड़ा मन कर रहा था खाने का, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था, 2-3 दिन से बिजी था, बट अभी भटूरे खा लेते हैं, फिर सीधा वहीं चलेंगे एंड काम निपटा लेंगे और निकल जाएंगे। अब बस आने वाला है, 5-10 मिनट का रास्ता है, आ जाएगा। चलो जल्दी से गाते देखो। Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever. So, छोले भटूरे हो चुके हैं डन, भाई बोरा, एंड यहाँ पे गाड़ी निकालने की जगह ही नहीं यार, देखो पूरे में तो दबे दबे हो गई। एंड यार आवाज़ बहुत आ रही, मतलब इन गाड़ियों की, इनके पीछे लिखना होना चाहिए ना डू नॉट हॉर्न, तो बजाएंगे ही नहीं, बट फिर भी बजाते हैं, मानते नहीं है। तो जिनकी गाड़ी आड़ी पड़ी है यार वही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए। तो फाइनली गाइस पहुंच गए, एंड 1 घंटा लग गया, मतलब 1 घंटे लगता है हमारी इधर से, चाहे कार से आओ या बाइक से आओ, लेकिन ट्रैफिक में पता नहीं कितना देर लगता है। एंड भाई चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं छोड़ के कह रहा कुछ काम आ गया, सो एकदम से चला गया। एंड अभी चलते हैं अंदर। देखो यहाँ पे कौन है, हमारा कार्तिक छोटा सा, ये हमारी बहन प्यारी सी, और यहाँ पे गगन भी प्रस्थान हो रखे। गगन कब आए? अभी आया, थोड़ी देर हो गई। आज गगन, कार्तिक भी यहीं पे है, एंड मम्मी, मम्मी कब आई थी मेरी? वो भी मम्मी, मम्मी भी पहले आ गई थी। सो अभी गगन मेरे साथ आ गया है, एंड मैं जा रहा हूँ स्कूटी की सर्विस करवाने, क्योंकि यहीं पे पास में जा रहा है शालीमार पार्क, शायद वहीं है, पापा ने बताया। पापा भी बाइक की सर्विस करवा रहे हैं, स्कूटी की भी करवानी, क्योंकि स्कूटी बड़ी खराब हो रही है, एंड दी को करवानी थी, तो हम स्कूटी यहाँ लेके आ गए, तो यहीं से करवा देते हैं। फिलहाल सब घर पे हैं, एंड गगन और मैं बाहर ही आ गए, तो चलो जल्दी से करवा के आते हैं, बट ढूंढनी पड़ेगी जगह, हमें तो पता नहीं है ना। ये देखो कैसे बोल रहे थे, बहुत पता है, और नेट नहीं है, वीडियो अपलोड होने में बहुत देर लगा रही, मैं तो हर जगह नेट का ढूंढ रहा हूँ कहाँ नेट मिलेगा और कहाँ वीडियो अपलोड करूँ, मिल ही नहीं रहा है। एंड मतलब जो पिछली वीडियो आई होगी देखा होगा हमने, बहुत लेट आई है, मतलब अब जल्दी से मैं नेट ढूंढता हूँ कहीं से और अपलोड कर देते हैं। फिलहाल गाइस हमारा हद से ज़्यादा और तगड़ा वाला पोपट हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब दो, मतलब मानोगे नहीं, पास में ही जगह, 2 घंटे से हम रास्ता ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है कभी मैप, नेट तो चल ही नहीं रहा है, मेरी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई। अभी फिर घर ही जा रहे हैं, सर्विस नहीं हो रही, क्योंकि 4 बज रहे हैं और 4 बजे के बाद सर्विस होती नहीं है, तो नहीं हो रही, तो फिर पोपट, मतलब जिंदगी में क्या पोपट होने के लिए आए हैं क्या हम लोग, पता नहीं समझ में हमें मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड आवाज़ तो इतनी आ रही है ना, हद से ज़्यादा। फिलहाल अभी घर ही चलते हैं, क्योंकि फिर पोपट हो गया।
वैसे हम लोग आ गए अभी पार्क, क्योंकि सर्विस तो मिली नहीं, बट पास में ही पार्क था तो पार्क ही घूम लेते जब तक। एंड देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने बज रहे अभी, 4 बज गए पूरे यार, दिखेगा भी नहीं आपको, 4 बज गए पूरे। चल चलते पार्क में। आवाज यार इरिटेट कर देते बंदे। एंड यहाँ पे स्कूटी लगा दी। एंड ये देखो ये है पार्क, पूरा पार्क है, बच्चे देख रहे हो? अरे 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 भैया मार दिया पूरे लड़ गए। चलो चलते हैं, एक फायदा हो गया बस, पार्क घूमने आ गए गगन फिलहाल गाइस इस पार्क की मैं एक खासियत बताता हूँ क्या है। जब मैं छोटा था ना तब आया था, एक बार आया था बस, फिर अब आया हूँ। आता था पहले लेकिन अंदर नहीं आया पार्क के, लेकिन ये पार्क बड़ा मस्त है। कैसा लग रहा है पार्क? सही है। तो 1-2 घंटा घूम लेते हैं यहाँ पे, तो चलो घूमते हैं। एंड मस्त पार्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर बैठने के लिए, इधर खेलने के लिए, पर क्रिकेट का नहीं है इधर, है ना, बैडमिंटन का तो है, वो उधर बैडमिंटन का है। एंड उस साइड झूले हैं, चलो वहाँ चलते हैं। एंड ये है झूला झूलने के लिए, चलो झूला झूल के आते हैं। कहाँ से इसका? अच्छा वहाँ से आ जा, आगे से है रास्ता, यहाँ से है इसका रास्ता, आ जा। चल कौन सा झूलेगा? ये वाला आता है, चल झूल बैठ। यार ये झूले होते ना अच्छा लगता है, या तो बैठे बैठे जिम हो जाती है ये क्या कर रहा है? ढंग से कर, ऐसे आगे को कर। ये पकड़िए वाला, ये हिस्सा पकड़िए वाला, ये नीचे वाला, हाँ वो भी पकड़। चल आप करपूर जितनी जा रहे हो, ये मस्त है यार। मैं तो पहली बार झूल रहा इस झूले पे, सही है यार, जिम हो जाती है। हमारा झूलना हो चुका है एंड जा रहे हैं वापस घर। तो चलो घर निकलते हैं, है ना, चले झूल लिया जरा, कैसा लगा? मजा आ गया सर, फिर से एक्सीट होते हुए। अरे एक चीज तो रह गई, एक चीज रह गई, नहीं पता, चल दिखाता हूँ। तो एक चीज क्या रह गई इस पार्क की, बड़ी मस्त चीज, मुझे बड़ी मस्त लगती, दिखाऊं क्या? ये देखो, ये ऊपर मतलब झोपड़ा सा लगा रखा है एंड यहाँ बैठने का है। ये मस्त लगती है जगह, पूरे पार्क में देखो चारों तरफ मतलब खेलने खेलने का है, एंड इधर झूले हैं, उधर क्रिकेट खेलने का है, उधर बैठने का है, एंड इधर भी कुछ मतलब बैडमिंटन कुछ भी खेल लो, एंड ये बीच में मतलब बैठने का, ये सही लगता है, मतलब इतना बेस्ट लगता है ना ये, ऐसे पार्क हो तो मज़ा ही आ जाए सोसाइटी में, है ना। बस सही है बच्चों के लिए, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हम भी घूम ही लिए। चलो चलो चलो, ये सही है, यहाँ से टेढ़े जाके यूं जाके यूं निकलना ये भी खेल सा है। वैसे एक चीज बड़ी सही हो गई, कि क्या सही हो गई? पार्क आ गए तो सही लगा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि जब पुरानी चीजें देखते ना तो अच्छा लगता है। चलो बैठ गगन। वैसे गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7, और पता भी मैं कहूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो मैं हूँ अपनी स्कूटी के पास, मतलब अपनी नहीं, मेरी बहन की है, अगर मेरी बहन ने सुन लिया ना मेरी कहते हुए तो वो मुझे बहुत मारेगी, बट मेरी बहन की स्कूटी की सर्विस हो चुकी है, अब सही लग रही है। देखो पहले कैसी टूटी वूटी थी, अब थोड़ी सी सही हो गई है। क्या कर रहा है? अरे इसे देखो मैंने पकड़ कैसे रखा है, मेरे से तो छूट रहा है। और गगन ये रहा, कार्तिक ये रहा। सो गाइस अभी बज रहे हैं, अरे क्या कर रहा है? सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7, एंड मैं थोड़ा सा बाहर आ गया व्लॉगिंग करना, आपको थोड़ी अपडेट दे रहा था, एंड अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, सब फैमिली वाले बातचीत कर रहे हैं ऐसी हंसी मजाक की। सो अरे भाई इसे देखो मैंने पकड़ कैसे रखा है, गिर रहा है ये तो, मैंने बड़े मुश्किल से संभाल रखा है। फिलहाल घर के लिए निकलते हैं, सीधा घर मिलना मम्मी जी। मम्मी घर? अरे कहाँ जा रहे हो? बाय नीलू बहन चली गई हमारी, घर मिलना। सो हम भी निकल गए हैं अभी, मम्मी पापा भी निकल गए हैं। चलो कितने बज रहे? 11 रात के 11 बजे निकल रहे। देखो 7 बजे से मैं बाहर खड़ा रहा, कोई भी नहीं आया, 11 बजे निकल रहे हैं, बट मौसम बड़ा मस्त हो रहा है।
तो गाइस अभी रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए एंड मम्मी अपना हेलमेट ही भूल गई देख लो एंड टॉप लगा के चल रही है बट ले लेंगे अभी रोड पे नहीं है हम मतलब इधर ही है सिटी टाइप में है सो हेलमेट ले लेंगी जल्दी से क्योंकि बिना रोड पे हेलमेट के लिए जाना सही नहीं है एंड देखो पापा उधर है भाई भी उधर है मतलब मजा आता था बाइक चलाने में बाइक पे स्कूटी पे हम स्कूटी पे एंड पापा बाइक पे तो मजा आ जाता है भाई इधर आ गया चले अच्छा अभी हवा भी भरवानी है स्कूटी की सर्विस तो हो गई बस हवा रह गई थी उनके पास हवा नहीं थी तो हवा डलवा लेते एंड मम्मी आगे हेलमेट भी ले लेना ठीक है ना सिटी से पहले ही मतलब रोड से पहले ही सिटी बोल रहा हूँ अभी ब्रेक लिया हमने देखो नोएडा के जहाँ पे गेट है ना एकदम स्टार्टिंग है ना जहाँ पे नोएडा की देखो वहाँ पे हम रुके हुए हैं क्या हो गया मम्मी ठंडी लग रही है कहाँ ठंड हो रही है बट ये मस्त लग रहा है यार एकदम है ना देखो भाई वहाँ रह गया तो घर पहुंच गए एंड अभी जल्दी से स्कूटी खड़ी करके आते हैं पापा वो जा रहे दिख रहा हो तो आपको चलो सो गाइस जस्ट अभी घर पे आके बैठे हैं एंड मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे इस साइड ठंड लग गई है बट मैंने ना स्कूटी पे पूरा एकदम मतलब जरा सी भी हवा ना लगे ना पूरा ऐसे ढक रखा था हेलमेट फिर मास्क मेरा और पूरी जर्सी एकदम एंड जीन्स एंड शूज पूरे सॉक्स सब एकदम कि हवा लगने का चांस ही नहीं बट पता नहीं गले में कैसा दर्द हो गया बोला नहीं जा रहा बट भी एंड फिर भी मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वॉइस कम आएगी तो थोड़ा देख लेना यार फिलहाल आज का दिन सही रहा गगन से मिले एंड कार्तिक से मिले एंड फैमिली से मिले तो अभी थोड़ी सी चाय बना के पीते हैं क्योंकि गले में शायद ठंड वंड लग गई हो तो चाय पी लेंगे तो सही लगेगा फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो पता नहीं क्या करना था लाइक कर देना और चैनल पे नहीं आते तो सब्सक्राइब कर देना मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टाटा टेक केयर एंड ख्याल रखा करें अपना सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय।